मेरा नाम फैज अहमद वानी है, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। मैं आपको आज थोड़ा सा बता दूंगा कोविड 19 के पेशेंट्स से इनकी मैनेजमेंट के बारे में, स्पेशली एट होम। जब भी किसी को घर में फीवर हो गया, सोर थ्रोट हो गया, टाइट है, भूख नहीं लगती है या थकावट बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे सिम्टम्स को लाइटली नहीं लेना है, ये सोचना है कि ये शायद कोविड हो सकता है। और इस सूरत में जो भी ये सिम्टम्स हो गए, अपने आप को उन्होंने आइसोलेट करना है और कोशिश करनी है टेस्ट कराने की। तो उसके बाद जो है आइसोलेट करके थोड़ा सा इनको जो है पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ाना है, हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए, रेस्ट करना है उन्होंने, और उन्होंने ऑक्सीजन को मॉनिटर करना है। पल्स ऑक्सीमीटर आजकल हर जगह का अवेलेबल है, हर किसी के पास होते ही है। पल्स ऑक्सीमीटर लेके अपनी सैचुरेशन को मॉनिटर करना है, और सैचुरेशन अगर मोर देन 94 है, जो कि 80% मोर देन 80% लोगों में ऐसा हो सकता है, और वो इसी से सपोर्टिव ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाएगी, उनकी सैचुरेशन यूजुअली 94 से नीचे आएगी नहीं, 94 से ऊपर ही रहेगी। तो जब तक 94 से ऊपर है तो घर पे ही रहना है मॉनिटर कर, और जब सैचुरेशन 94 से 92 के दरमियान आएगी तो थोड़ा ओवर केयरफुल रहना पड़ेगा, मोर फ्रीक्वेंटली सैचुरेशन देखना है, और कोशिश करनी है अपने पास नंबर्स वगैरह रखने हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी, कि कहीं मुझे इनकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ऐसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ सकती है। और अपने आप को प्रोन पोजिशन में जितनी ज्यादा देर हो सके कोशिश करनी है उस पोजिशन में लेटने की, उससे ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद अगर सैचुरेशन 90 से नीचे आ जाता है तो जल्दी ही तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, हॉस्पिटल कांटेक्ट करना चाहिए, तो उनका ट्रीटमेंट जो है सेफ प्रोटोकॉल के हिसाब से हॉस्पिटल में चले। और अगर जरूरत पड़ी कोई भी किसी कॉल करने की, किसी नंबर पे कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी कोविड रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं। एक नंबर है 0191 257 1616,